हेलो डिस्टेंट, जैसे कि आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का 2 फरवरी को पेपर होना है, यानी अब आपके पास कुछ समय ही बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इसको देखते हुए पॉलिटिकल साइंस का जो है 100 क्वेश्चन को जो हम लोग गैस करके लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है 50 में 50 हम जो है मार्क्स, यानी एक ही क्लास करने के बाद लेकर के आ जाए, तो प्यारे बच्चों इस क्लास को आप पूरी तरह से एंड तक देखेंगे। एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है प्यारे बच्चों, हर जगह आप लोग पहले शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग सबसे पहले जो है ना आपको शेयर करना चाहिए, और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, इसमें हम लोग सभी गैस क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें उन क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो क्वेश्चन जो है पूछने के 100% चांसेस है, यानी संभावना है, उन क्वेश्चन को लिए हैं। एंड इसमें सभी जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग मिक्स किए हैं। ठीक है, तो डियर चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं, करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या कहलाता है फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में संकल्प जो लिया था, यानी कब लिया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको देखिए ज्यादा समय नहीं देंगे हम, आपको बता दें 1948 के जयपुर अधिवेशन में, बिल्कुल भी नहीं 1955 के आवरी अधिवेशन में। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि धारा 370 का संबंध अभी हाल ही में हटा गया, आप लोगों को पता होगा, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे आप लोग जम्मू कश्मीर बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर सवाल, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है, बताइए। 4 है या 5 है, 6 है, 7 है, तो बताइए वर्तमान में भारत में अभी राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना है, आपको बताना है। ठीक है, तो पहले की अगर बात करें तो पहले 7 था, लेकिन अभी जो है बाद में फिर एक ऐड हुआ है। ठीक है, तो 8 हो गया है। ठीक है, याद रखना। चलिए फिर ये तो बहुत जल्दी 9 भी हो जाएगा। ठीक है, 9 आपको जो है देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये जो है आपका जो है मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये आपको अभी ये जो हम ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, इसलिए इस तरह का इसका ऑप्शन दिया हुआ, ये लगभग 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको कलेक्ट किया हम लोग इस क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं, किसके रूप में हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को। तो बिल्कुल सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में अपना भारत का संविधान लागू किया गया था, और 26 जनवरी को ही जो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ये आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपना जो था, यानी किसका था, कौन थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसका देहांत कब हुआ था, 27 मई 1964 को, बिल्कुल 27 मई 1964, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि भारत में विविधता में एकता का देश है, ये किसने कहा था, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए ये जो है किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अब भारत में अनेक प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, तरह तरह भिन्न भिन्न भाषा के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी हम लोग के बीच में क्या भाईचारा एकता दिखता है, ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, चलिए तो बताइए भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए यानी प्रावधान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो याद रखिएगा ये जो है निर्वाचन के लिए प्रावधान जो करता है 324 अनुच्छेद, तो बिल्कुल आपका आंसर 324, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 8 नंबर सवाल क्या कहलाता है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था, तो हम लोग जानते हैं कि 1930 में जो है नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद स्वराज आंदोलन 1923 को याद रखेंगे, उसके बाद आपका अशोक आंदोलन 1920 को हुआ था। ठीक है, चलिए एक एक चीजों को आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसा अर्थव्यवस्था भारत का, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका आंसर आप लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है, देखिए इसमें जितने सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया गया ये सभी एनसीईआरटी है, आपको बता दे, और बिल्कुल पता भी होना चाहिए कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि संवैधानिक संस्था इसमें से कौन नहीं है, तो नीति आयोग, बिल्कुल आप लोग का पहले बता दें कि योजना आयोग, पहले क्या कौन सा आयोग था, योजना
आयोग था, ठीक है, आयोग था जिसका स्थापना कब हुआ था, 1950 को हुआ था और योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, कौन, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी 2014 को जो है इस योजना को भंग कर दिया था, यानी योजना आयोग को भंग करके, क्योंकि योजना एक गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक है, तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग 2015 में लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, 2015 में, और ये योजना आयोग जब क्या था, यानी गैर संवैधानिक था, तो नीति आयोग भी चुका है गैर संवैधानिक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, यानी कौन बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री जो है कौन बना था, तो बिल्कुल याद रखना आपको लाल बहादुर शास्त्री जी बना था, ये भी जो है 1966 तक रहा, उसके बाद फिर जो है कौन बना था ये आप हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 2010 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, 2010 के अनुसार आपको बताना है ये जो है कौन मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है, विधानसभा चुनाव में, तो बिल्कुल आपको बताना है जनता दल यू जो है प्राप्त किया था, तो इसका आंसर आपको जनता दल यू यानी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक उत्तराधिकारी की चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई, तो किसके द्वारा निभाया गया, तो पार्टी के अध्यक्ष कामराज के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे, देखिए 1971 के चुनाव में जो कांग्रेस को जो लोकसभा सीट कितना मिला था, तो 283 लोकसभा सीटें मिला था, कितना मिला था, 283, ठीक है, तो 1383 यहाँ आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो हम जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, सब जानते हैं, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, एई होम के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग का एई होम, ऑप्शन आप लोगों का ए परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है कहाँ का बताइए, जैसे कि श्रीलंका का आपको पता है लिट्टी कहाँ का है, श्रीलंका का लिट्टी है, ठीक है, लिट्टी आपको बताऊंगा, श्रीलंका का आतंकवादी संगठन का नाम क्या है, लिट्टी है, पाकिस्तान का हिफ्जुल मुजाहिदीन लश्कर तैयबा, ये सारा जो है का मतलब कहाँ, पाकिस्तान का ही है ना, अपना भारत का जो है क्या है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन जो अपना भारत का है, ठीक है, रूस का बताना आप लोगों को कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहला था, किसने कहा कि दो सोते भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे डियर आपको बता दे हेरोल्ड लॉस्की इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, हेरोल्ड लॉस्की यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप में पर यानी लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, यानी जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर यानी लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था, तो याद होना चाहिए आपको इंदिरा गांधी जी को यही वंचित कर दिया गया था, तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए, देखिए 1975 में जो आपातकाल हुआ था घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो बिल्कुल फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपातकाल लागू कर दिया गया था, यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, यानी 1975 को लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बिल्कुल MBBI प्रश्न है, ये जितने सारे क्वेश्चन है MBBI है, बहुत बड़े क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का लेखक भी आपको बता होगा, हिंदी में पढ़े होंगे, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसका बचपन का नाम क्या था, बाबुल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है, तो बताइए शांति स्थापना के कार्यों को देखते हैं जो होता है वो महासचिव के अधीन होता है, किसके अधीन होता है, महासचिव के अधीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है किस पर होता है, देखिए विश्व में जो शांति बनाए रखने का दायित्व जो होता है वो सुरक्षा परिषद पे होता है, किस पे होता है, सुरक्षा परिषद, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 है, ठीक है, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, आपका यानी 10 हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व जो है किसके पास होता है, सुरक्षा परिषद के पास होता है, कुल सदस्यों की संख्या 15 है, 5 अस्थायी है, 10 क्या अस्थायी है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, 23 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, बताइए, देखिए पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है, तो बिल्कुल हमारा साझा भविष्य, याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का, हमारा साझा भविष्य इसका आंसर आपका परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, 1955 ईस्वी में किस शहर में AFOSI सम्मेलन हुआ था, देखिए 1955 में किस शहर में AFOSI सम्मेलन हुआ था, तो मेरे लिए आपको पता होगा बादूंग में, तो इसका आंसर आप लोग का बादूंग बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, देखिए 1992 में जो है किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो बिल्कुल याद होना चाहिए रेडियो जेलियो में 1992 में जो है क्या यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है,
तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 26 नंबर क्वेश्चन, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि विश्व अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा मतलब विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको मतलब अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और 30 जनवरी को क्या यानी शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है इसे मारा गया था। ठीक है, तो शहीद दिवस यानी 30 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट है। और 10 दिसंबर को क्या आपको मनाया जाता है बताना, आपको जल्दी फटाफट बताएंगे तो 10 दिसंबर को हम लोग जानते हैं कि मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो देखिए भूमंडलीकरण का आलोचक की अगर बात करें तो मनमोहन सिंह इसका आलोचक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, 28 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? देखिए मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा जो है वो कब किया गया है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये जो है कब किया गया है, 1948 में जो है किया गया, कब किया गया था 1948 को। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ है? देखिए विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में जो है ये जो है 18वीं शताब्दी से जो है आरंभ हुआ है, तो इसका आंसर आपका 18वीं शताब्दी एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 30 नंबर क्वेश्चन, चीन क्रांति कब हुआ था? बताइए चीनी क्रांति कब हुआ था? तो बिल्कुल याद होगा 1949 में, तो इसका आंसर आप लोगों का 1949 परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत आपके एग्जाम के लिए एमवीबीआई है, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में असत्य कथन आपको चुना, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, ये बिल्कुल सत्य है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, बिल्कुल नहीं 1956 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता का विशेषता किसने बताई? तो मैं आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत राष्ट्रपति पर यानी महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग चलाया सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए बताइए आप लोग प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो क्या होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बात करें तो आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, क्या है इसका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिनान सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन में 35, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया था? बताइए कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल पता होगा आपको अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की जो है इसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, यानी प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र का आधार है, बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल याद होगा आपको लोकसभा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, लोकसभा जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग का जो है सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो 30 वर्ष का होता है और लोकसभा के लिए तो आपको पता है 25 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में की सूची की प्रेरणा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे, विकेंद्रीयकरण किस शासन की विशेषता है? तो विकेंद्रीयकरण जो है संघात्मक शासन की विशेषता है, तो इसका आंसर आपका संघात्मक शासन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो है अरस्तु है, तो इसका आंसर आपका अरस्तु बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन यानी मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है आपको ये बताना है। तो पूंजीवादी समाज, बिल्कुल याद रखेंगे पूंजीवादी समाज राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र यानी किसने प्रतिपादित किया था? बताइए नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे डियर आपको बता होगा अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? बताइए किसके द्वारा कहा गया कि शांति जो है कायरो का सपना है? तो हिटलर के द्वारा जो है कहा था कि शांति जो है कायरो का सपना है।
चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। तो मेरे डियर आपको बताना है तनाव शैथिल्य का दौर, तनाव शैथिल्य का दौर जो शुरू हुआ था वो 1970 के बाद हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का 1970 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 46, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। तो आप लोगों को पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है दो महाशक्ति उभर कर आया था, एक आया था कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ आया था, ठीक है। चलिए दो ध्रुवीयता यानी यहीं से जो है कायम हो गया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो सोवियत संघ का जैसे विभाजन हुआ था उसके बाद जो बात था एल्तसिन के द्वारा बना कौन था, एल्तसिन बना था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन 48, सोवियत गुट से पहले कौन सा देश अलग हुआ था। देखिए सोवियत गुट से पहले सबसे पहले जो है युगोस्लाविया अलग हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको का युगोस्लाविया, इसका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ग्लासनास्ट व पेरेस्ट्रोइका के मंत्र जो है किसने दिया था। चलिए तो बिल्कुल आपको बता होगा गोर्बाचोव के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आपका गोर्बाचोव एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, बताइए रोनाल्ड रीगन जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। तो हम लोग जानते हैं कि यूएसए के जो है रोनाल्ड रीगन जो है राष्ट्रपति है, तो यूएसए इसका आंसर आप लोग का राइट है। क्वेश्चन देखेंगे 51, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितनी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होता है। तो उसके लिए विधानसभा के लिए जो है कम से कम की सदस्य की उपस्थिति यानी एक अपान 10 सदस्यों की अवस्था होती है या 10 सदस्यों की, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे 52, क्या कहलाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों को संघ घोषित किया गया। तो बताइए भारतीय राज्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। तो बिल्कुल प्रथम अनुच्छेद के तहत, कौन सा अनुच्छेद के तहत, प्रथम अनुच्छेद के तहत ये किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सर्वोच्च न्यायालय की केंद्र न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन करता है। तो मेरे डियर बिल्कुल पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच यानी विधायी संबंधों का उल्लेख करता है। तो यह अनुच्छेद 245 से 255 इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है किसका, अपना भारत का है, ठीक है। याद रखेंगे अपना भारत का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 56 में क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें तो ये जो है 1953 में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1956 में जो है ये हुआ था, हाँ चलिए रिपोर्ट लागू किया गया था। क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। 58 नंबर बताइए, तो कश्मीर के भारत विलय पर जो है किसने हस्ताक्षर किया था, तो ये राजा हरि सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है। तो बताइए भारत की विधानसभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको का कैबिनेट मिशन योजना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, संख्यात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण बताना। देखिए संख्यात्मक ढांचे के लिए जो अपरिहार्य लक्षण होगा, संविधान की सुरक्षता होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, शक्ति का विभाजन, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था। तो हम जानते हैं कि पंचशील समझौता कब लागू किया गया था, 1954 को लागू किया गया था, ठीक है। और ये पंचशील समझौता में 5 सूत्र रखा गया था, और ये किसके किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच, लेकिन ये भारत जो अपना भारत पर जो है चीन की है जो है मतलब गलत नीति की वजह से अपना 1962 पे जो है अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था। तो हम जानते हैं कि ये जो है हुआ था यानी शिमला समझौता हुआ था। 1972 में कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, और एक भी समझौता हुआ था 1966 में, जिसको हम लोग कौन समझौता बोलते हैं, ताशकंद समझौता। 1966 में भी एक समझौता हुआ था जिसका नाम था क्या, ताशकंद समझौता, ओके। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 63 आपके स्क्रीन पे, मैकमोन रेखा कहाँ है। ठीक है, मैकमोन रेखा की अगर बात करें मेरे डियर, तो हम लोग जानते हैं मैकमोन रेखा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए भारत और किसके बीच है, ये चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच की रेखा है मैकमोन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश में। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो हम बताएं आपको कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और इसमें उस टाइम जो थे यानी अयूब खां थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, एंड और लाल बहादुर शास्त्री थे, मतलब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे यहाँ के, अपना इंडिया के, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65,
1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारत राष्ट्रपति का नाम क्या था? बताइए। 1970 में जो लागू किया आपातकाल लागू किया गया था उसका नाम क्या था? नीलम संजीव रेड्डी था, ज्ञानी जैल सिंह या जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो किसके तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है मेरे डियर? तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो देखिए, इंदिरा गांधी के नारा जो था क्या था, यानी गरीबी हटाओ का नारा था, ये सभी को जानते हैं। और एक नारा जो यानी कांग्रेस सिंडिकेट के द्वारा जो दिया गया था, यानी इंदिरा हटाओ का नारा जो है, ठीक है, कांग्रेस सिंडिकेट के द्वारा दिया गया था। चलिए, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गरीबी हटाओ। चलिए आगे देखेंगे, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? बताइए, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचारधारा का जो समर्थन करने वाले थे वो इंदिरा गांधी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बताइए, 70 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल MBBI प्रश्न है। जितने सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए MBBI है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग जानते हैं जनसंघ के संस्थापक जो थे श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी, एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ पे स्थित है? चलिए, कौन सा नदी पर है भाखड़ा नंगल? तो हम लोग जानते हैं भाखड़ा नंगल जो है ये सतलज नदी पर है। तो इसका आंसर आप लोग का सतलज नदी राइट आंसर होगा। भारतीय संसद में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की मांग है? तो बताइएगा, भारतीय संसद महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की मांग है? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 33% यानी मांग है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? देखिए, पंचायत व्यवस्था जो है नेपाल में लागू किया गया था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 74, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है? देखिए, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम जो है क्या है? अलगवाद है, राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय हित है। तो हम जानते क्या है, अलगवाद जो है क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? तो सिक्किम जो बना था ये 1975 को बना था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1975 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? बताइए, किस राज्य का अपना संविधान है? मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो पहले किसका था? जम्मू कश्मीर का था, जो 370 का धारा हटा दिया गया है। अब इन तीनों राज्यों में से कौन सा, एक कमेंट करके आप लोग बताइए। केशवानंद, भारतीय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो बताइए, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, केशवानंद, भारतीय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधित नहीं कर सकती है, ये जो है बिल्कुल दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 78, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती में 50% आरक्षण दिया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि अपना बिहार में जो है 50% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम स्थान जो है सबसे ज्यादा जो सीटें लेके आया था कौन लेकर के आया था? RJD लेके आया था, यानी राजद लेके आया था। ये सभी को पता है कि RJD जो है सबसे अधिक सीट लेके आया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन शामिल नहीं है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है भाजपा शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आपका भाजपा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच तास्कर समझौता कराने में किस श्वेत नेता ने महत्वपूर्ण निभाई थी? तो ये बिल्कुल कोशिगिन के द्वारा निभाया गया था, तो इसका आंसर आपका कोशिगिन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो हेलेंस्की, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है GS मिल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो GS मिल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ठीक है, टाइम कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी आंसर देंगे। आयु और जीवन की लड़ाई 23 फरवरी 1945 में जिन दो देशों में हुई थी वो कौन कौन सा देश था? तो जापान और अमेरिका था। इसका आंसर आप लोगों का जापान अमेरिका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, किस अमरीकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया गया था? तो जॉर्ज बुश के द्वारा जो है नहीं प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 86, इतिहास का अंत का सूत्र किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं फ्रांसिस फुकायामा जो है ये इतिहास का अंत का जो है मतलब सूत्र दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इंग्लैंड का वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? चलिए, तो अपना भारत के मूल है इंडिया, इंग्लैंड के, तो आप लोगों यहां तो इसका दिया हुआ है आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो अपना भारत का मूल निवास है कौन है आपको बताना, कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन देखते हैं, 88, विश्व का इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दिया था? देखिए, विश्व को इंटरनेट की सुविधा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, 89, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? तो बिल्कुल ये नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय, तो इसका आंसर आपका यूरोप का आर्थिक समुदाय राइट आंसर होगा। कौन सा भारत और चीन के बीच यानी मित्रता के रूप में यानी मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो मनाया जाता है किसके मनाया जाता है, वो
1954 को भी मनाया गया था उसका, और उसका 2006 को भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 91 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है गुटेरेस, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हम जानते हैं विश्व यानी WTO, हाँ, तो ये जो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय की अगर बात करें तो जिनेवा पे है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का जिनेवा राइट आंसर होगा। चलिए देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है 1993 को हुआ था यूरोपीय संघ की स्थापना, 1993, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का 1993 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की वायु दुर्घटना में, इसका आप लोग बताइएगा यूरोपीय संघ की स्थापना 1947 को, 1957 या 1993 को, जल्दी बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो वो कौन थे? यानी डैग हैमरशॉल्ड का हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसका मौलिक सदस्य कौन था? उसका मौलिक सदस्य की अगर बात करें तो भारत उसका मौलिक सदस्य था। तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो ये बिल्कुल आपको पता है, महासभा है। तो इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो ये बिल्कुल आपको पता है कहां पे? पोखरण में किया था, जो कहां पे है? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान, राइट आंसर होगा। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया गया था? तो जल्दी बताइए किस संधि ने पूर्णतः यानी जो है वर्जित किया गया था? तो इसका आंसर व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का शी राइट आंसर होगा। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने व्यवस्था का आह्वान किया था, तो ये बिल्कुल आपको बताना है कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने मतलब परिषद ने किस व्यवस्था का यानी आह्वान किया था? शांति स्थापना, शांति निर्माण या सत्ता का संतुलन या सामूहिक सुरक्षा? तो इसका आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताएंगे हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? अमेरिका, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन। तो हम लोग जानते हैं अपना भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 9